मेरी जर्नी बहुत प्यारी रही है, आगे भी जो भी काम करना है बहुत प्यार से करना है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपने काम के लिए, अदरवाइज अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में हम आए और हम ये काम करके हमको क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, भाई हम तो इतना वीडियो बना रहे हैं हमको क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं आइडियल मानती हूँ श्रेया मैम को, श्रेया घोषाल मैम को, मैं उनको बहुत सुनती थी बचपन से और उनसे ही जो भी म्यूजिक में सीखा है मैंने, उनको सुन के बहुत सीखा है, बहुत प्रेरणा ली है मैंने उनसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल 18, मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। इस वक्त दुनिया में किसी भी कोने में अगर राम भक्त रह रहे हैं तो उन्होंने भी जरूर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी इस गाने को सुना ही होगा, और इस गाने को गाने वाली स्वाति मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है लोकल 18 पर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी म्यूजिक जर्नी कैसी शुरुआत होती है, आप एक बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं और बॉम्बे आप पहुंची। मेरी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली मेरे जो पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है, जो पॉसिबल है उसी की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि गांव में ऑब्वियसली एक लड़की, स्पेशली एक लड़की क्या जानती है कि करियर क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, उसमें करियर बनाना क्या होता है। सबसे इंट्रोड्यूस कराया मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने स्पेशली बहुत सपोर्ट रहा है। क्या इसमें आपने कुछ डिप्लोमा या फिर मास्टर वगैरह किया म्यूजिक में? जी मैंने क्लासिकल म्यूजिक से मास्टर्स किया है मुंबई से। और अगर मैं आपकी अगर बैचलर लाइफ जाना चाहूंगा, मैंने सुना आपके बीएचयू से भी आपने जो है किया। हाँ, बीएचयू से मैंने बैचलर्स किया है म्यूजिक में, उसको बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि एक आपका बहुत सारा जो है गाना वायरल हो रहा है राम आऊंगा तो उन्हें सजाऊंगा, इसको जो है आपके यूट्यूब में 95 मिलियन लोगों ने देखा है, तो कैसे ये प्रेरणा मिली आपको कि ये मैं ये गाना गाऊं? ये गाने की प्रेरणा मुझे एक वीडियो से मिली, जो वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा था, प्रेम भूषण जी का वीडियो, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और बस मैंने वो देख के गाया था उस गाने को। तो मैम क्या रहा स्ट्रगल अगर हम बात करें तो, अगर अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताना चाहें तो? एक्चुअली क्या है कि जो भी लाइफ का स्ट्रगल है वो स्ट्रगल इतना ज्यादा भी नहीं है जितना ज्यादा मैं, मतलब उसके बारे में बात करूं या फिर बिना झूठ मूठ का मैं उसको अपना इमोशनल पॉइंट बनाऊं, स्ट्रगल है तो सक्सेस भी है, और काफी काफी लाइफ में बोले तो बहुत जल्दी अगर आप कहें तो मुझे सक्सेस मिला है, तो स्ट्रगल को मैं बिना मतलब के उसको बात में नहीं लाना चाहती हूँ। मेरी जर्नी बहुत प्यारी रही है, आगे भी जो भी काम करना है बहुत प्यार से करना है। अच्छा, जो अगर जो आज का यूथ अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी एज अ सिंगर? एज अ सिंगर मैं यही देना चाहूंगी कि पहले आप सीखिए, देन जब भी आप किसी लाइन में उतरते हैं, वो म्यूजिक का लाइन हो या कोई भी लाइन हो, स्टडी एजुकेशन हो कुछ भी हो, तो सबसे पहले तो उसमें आपको प्रॉपर उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है और माइंड मेकअप करना होता है कि इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेशेंस है, बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा, एक तरह से कहे तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपने काम के लिए, अदरवाइज अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में हम आए और हम ये काम करके हमको क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, भाई हम तो इतना वीडियो बना रहे हैं हमको क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो आप काम कर रहे हो अपने कॉन्टेंट पे, अपने म्यूजिक पे या फिर जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, उसको बेहतर से बेहतर बनाओ, तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही रीच उसकी हो जाएगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको वायरल करने के लिए इतना सोचने के लिए। अगर मैं बात करूं कि म्यूजिक के इंडस्ट्री में आपके जो है आप गुरु कैसे, किसको अपना आइडियल मानती हैं एज अ सिंगर? तो मैं आइडियल मानती हूँ श्रेया मैम को, श्रेया घोषाल मैम को, मैं उनको बहुत सुनती थी बचपन से और उनसे ही जो भी म्यूजिक में सीखा है मैंने, उनको सुन के बहुत सीखा है, बहुत प्रेरणा ली है मैंने उनसे। अच्छा, पीएम मोदी ने भी आपका जो है हाल ही में ट्वीट किया था आपके, क्या रिएक्शन था उस समय जब आपने देखा? बहुत बहुत खुश थी मैं, मेरा परिवार, सब लोग बहुत खुश थे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।